भगवान शंकर तो पांच रसों के पंच रसाचार्य हैं, भगवान महादेव मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है मां वह परम ब्रह्म, जगत जिससे मांगता है वो आज तेरी गोद में आया है और वो तेरे सामने हाथ फैला के कभी माखन मांगेगा कभी रोटी मांगेगा। तेरा सौभाग्य कितना ऊंचा है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा क्या चाहते हैं? यदि भिक्षा कम लगती हो तो आप जो कहें और भिक्षा देने हम तैयार हैं, आप आज्ञा करिए। महादेव के नेत्र भर आए, भगवान शंकर कहने लगे, एक ही लालसा लेकर आया हूं, बहुत दूर से आया हूं मैया, निराश मत करना। एक ही आशा है कि तेरे यहां जो लाला हुआ है एक बार आंख भर के उसको देखना चाहता हूं, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। अब यशोदा जी तो डर रही है, बाबा के गले में नाग की माला है, अभी बालक बहुत छोटा है, आखिर कैसे बाहर ले आऊं, कहीं नजरें लग गई, मेरा लाला डर गया तो क्या होगा। यशोदा बार बार निवेदन करती है, बाबा हट मत करिए, आप जो मांगेंगे हम देने तैयार हैं। बोले बाबा, बोले मैया मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इतना कह रहा हूं कि एक बार दर्शन करा दे, बहुत दूर से आया हूं। यशोदा जी को भय था, बुढ़ापे में लाला हुआ है, कहीं कोई नजर लग गई, कोई प्यार लग गई तो। बोले बाबा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा, बोले मैं बिना दर्शन के जाऊंगा भी नहीं, और आप गोकुल के आगे जाइए, आशेश्वर महादेव विराजमान है, भगवान शंकर वही आसन लगा के कुछ दूर नंद भवन से जाकर के और वन में आसन लगा के बैठ गए, जब तक दर्शन नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगा। मैया तू अभी दर्शन नहीं कराएगी कोई बात नहीं है, मैं हट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े से बड़े होंगे, घुटगन घुटगन चलेंगे, फिर तो महल से बाहर निकलेंगे, तब तो दर्शन मिलेगा। अरे तब भी कदाचित दर्शन न हुआ, थोड़े और बड़े होंगे, सखाओं के साथ खेलेंगे, बछड़े चराएंगे, गैया चराएंगे, खेलने जाएंगे, कहीं तो दर्शन होगा। मैं तो बिना दर्शन के लौटने वाला नहीं हूं, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। अब इतनी लालसा बाबा शंकर में, भोले बाबा में, हमारे लाल जी रोने लग गए। बड़ी बड़ी बूढ़ी गोपियां समझाती है, लेकिन कन्हैया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो लगता है उसी बाबा ने कोई जादू टोना कर दिया। अच्छा तो बुलाओ बाबा को, कोई झाड़ फूक जानता हो। एक गोपी दौड़ी भई गई, बाबा चलो तुम्हारा काम बन गया, मैया ने बुलाया है। बोले बाबा आए, और मैया अपने लाला को सजा के लेके आई है, काला टीका लगाया है नजर न लग जाए, और जैसे ही बाहर लाए और बाल कृष्ण के ऊपर भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी, भगवान शंकर के नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बह पड़ी। बोले बाबा प्रेम में झूम उठे, धन्य है वाह प्रभु क्या सुंदर स्वरूप है। बोले बाबा गदगद हो गए, और उधर बाल कृष्ण प्रभु ने भोले बाबा की ऐसी प्रेम दशा देखी तो कन्हैया रोना धोना सब भूल गए, और भोले बाबा की उस दशा का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां चर्चा करने लगी, भाई गजब का बाबा है, लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया, पहले लाला रो रहा था अब बाबा रो रहा है। और भोले बाबा तो आनंद विभोर होकर श्रृंगी बजाने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे, बाल कृष्ण के चरणों को सहलाने लगे। मैया बोली ये क्या कर रहे हो? बोले चरणों की रेखा देख रहा हूं। मैया बोली सारी दुनिया हाथ की रेखा देखती है, जितने ज्योतिषी विद्वान होते हाथ की रेखा देखते हैं। बोले बाबा, बोले हम जरा अलग किस्म के योगी हैं, हम तो पैर की रेखा देखना जानते हैं क्योंकि चरण छूना है। बोले बाबा वहां दर्शन करके पधारे, और पार्वती जी को सुना रहे थे, देखा मैंने कैसे दर्शन किया। पार्वती जी बोली अच्छा ये बताओ, वो गोपी ना होती जिसने बार बार मैया से आग्रह किया कि बाबा को बुला लो, वो कोई झाड़ फूक कर देंगे, लाला ठीक हो जाएगा। बोले वो गोपी ना होती तो? बोले वाले, बोले बाबा, बोले याद ये तो बात है, वो गोपी ना होती तो फिर बड़ा मुश्किल होता। तो पार्वती जी बोली, वो गोपी कोई और गोपी नहीं थी, वो यही गोपी थी। बोले बाबा, बोले क्या मतलब? पार्वती जी बोली दर्शन करने अकेले अकेले चले गए, मुझे नहीं ले गए, हर जगह तो साथ लेके चलते हो, अपने प्रभु का दर्शन करने अकेले चले गए।
तो मैं भी गोपी बन करके पहुंच गई। ऐसे ही जब जब अयोध्या में राम जी प्रकट होते हैं ना, जब जब माने जिन जिन त्रेताओं में, हर त्रेता में राम जी नहीं आते, हर चतुर्युगी में त्रेता आता है, पर किसी किसी त्रेता में, कल्प के किसी एक त्रेता में राम जी प्रकट होते हैं। जैसे वर्तमान कल्प के जो चतुर्युगी चल रही है अभी, इसके 24वें त्रेता में राम जी प्रकट हुए थे। अभी जो निकला है वो 28वां त्रेता निकला, 28वां कलयुग चल रहा है, है? तो जब जब राम जी अयोध्या में प्रकट होते हैं तो भोले बाबा दर्शन करने आते हैं। कागे भोसोंडी संगे हम दो, कागे भोसोंडी संगे हम दो, मनोज रोपोला नहीं रहे को, सुनो मैंने चोरी से दर्शन किया, मैंने जाकर के चोरी से प्रभु का दर्शन किया।